आज पूरा विश्व जानता है, देश जानता है कि आज एक महत्वपूर्ण दिवस है देश के लिए, देश के इतिहास के लिए। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, और आज ही से एक तरह से शुरुआत हुई आज़ादी की। अंग्रेज लोग समझ गए कि पूरा देश जब एक हो गया है कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में, तो अब भारत में शासन करना मुश्किल है। इसलिए अंततः 15 अगस्त 1947 को वे भारत छोड़ करके चले गए। आज विशेष महत्व है देश के इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में। आज हम नमन करने आए हैं गांधी जी को और साथ साथ वो सभी महान नेताओं को जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था, वो सभी लोगों को, आज़ादी के दीवानों को जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। और उनको भी ये बताना चाहेंगे, उनको ऐसे लोगों को जिन्होंने भाग नहीं लिया था लेकिन आज राज कर रहे हैं। देश की आज़ादी में बहुत से लोगों का योगदान नहीं था लेकिन देश की आज़ादी, देश को आज़ाद होने पर, देश के आज़ाद होने पर वे बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं, देश की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। राष्ट्रभक्ति तो देखनी हो तो कांग्रेस में देखना चाहिए। कांग्रेस पहली पार्टी थी देश में जिसने अपना नाम राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस रखा, अंग्रेजी में इंडियन नेशनल कांग्रेस। राष्ट्रीय शब्द पहले, सबसे पहले उसी ने जोड़ा पार्टी के रूप में। तो राष्ट्रीयता हमको कुछ सिखाया नहीं। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता हूँ, रोज रोज कहते हैं कि राष्ट्रीयता, भारत माता का नारा किसने दिया, कहाँ से शुरुआत हुई, आज़ादी की लड़ाई की जंग शुरू हुई, आज चल रही है। हम भारत माता के पुत्र हैं, हम राष्ट्रीय राष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं, राष्ट्र के एकता पर विश्वास करते हैं, सभी समाजों की समरसता पर विश्वास करते हैं। देखिए तो ये देश अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गया लेकिन अभी एक नया तानाशाही प्रवृत्ति का शासक इस देश में राज कर रहा है और जिसके चलते देश के तमाम जनतांत्रिक अधिकारों पे कुठाराघात हो रहा है। ये पेगासस अपने आप में इतनी बड़ी घटना है कि 50,000 लोग पर इनका सीआईडी गिरी चल रहा है, इनका जो है वो जांच कर रहे हैं ये। और आम आदमी से जुड़े हुए कोई सवाल पे मोदी के 7 साल पूरे हो गए, किसी सवाल पे राहत मिला हो आज तक, किसी सवाल पे। पहला इनके जो टेन्योर था और दूसरे टेन्योर,